Hello student, this is assistant professor Ramkar Ramgadia. Today I will going to teach you an interesting topic, that is PHP. So let us start our first chapter, that is PHP basics. In this part is divided into two colors, the black and the red. The black which we are going to see today and the red we will going to see in our next lecture. So today we will going to see setting up a development environment, variables, numbers and string. In next lecture we will going to continue with calculations with PHP and using arrays. So let us start our first chapter, which is an introduction. Okay, PHP is a server scripting language and a powerful tool for making dynamic and interactive web pages, and it will going to have a widely used, free and efficient alternative to competitors such as Microsoft ASP. The new version of PHP is PHP 7. PHP is known as Hypertext Preprocessor. It is free and easy to download. The code is executed on the server. We will going to use basic HTML coding for running a HTML code on server. The extension of PHP is .php. Okay? PHP जो है easy scripting language है. PHP के थ्रू हम dynamic web pages क्रिएट करेंगे. PHP जो है easy use के लिए है और widely use होती है. PHP free है download करने के लिए without any cost. The full form of PHP is Hypertext Preprocessor. Okay? और ये server पे run होती है और ये हम basic HTML के code use करके इसकी coding create करेंगे. जैसे आप लोगों ने HTML के कोड लिखे थे, सेम वही HTML कोड के अंदर हम PHP का कोड राइट डाउन करेंगे. PHP रन होगी सर्वर पे और ये अपना रिजल्ट डिस्प्ले करेगी वेब ब्राउजर पे. ओके, और इसका एक्सटेंशन होगा .php. जैसे आपका HTML का एक्सटेंशन था .html, आप फाइल को सेव करते थे .html से, सेम उसी तरह से यहाँ पे आप सेव करोगे .php से. आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया हो. वॉट यू शुड नो ऑलरेडी यू नो. वॉट शुड यू नो, ओके, इसका मतलब क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पहले ही पता है. ओके, और अगर आपको नहीं पता तो आपको पता करना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग HTML, नेक्स्ट CSS और उसके बाद आता है JavaScript. आपको ऑलरेडी ये तीनों लैंग्वेज कंप्लीट हुई है आपके फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम में. आई होप आप लोगों ने रिवीजन किया होगा, बिकॉज हमें HTML यूज करते ही PHP के कोड यूज करने हैं. व्हाट कैन PHP डू? PHP क्या कर सकता है, मैंने अभी आपको बताया, डायनामिक पेजेस क्रिएट करेगा. यहाँ पे PHP क्रिएट कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, क्लोज कर सकता है कोई भी सर्वर पे. ओके, कोई भी सर्वर पे हम ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं. PHP के पास कलेक्शन ऑफ डेटास रहते हैं. ठीक है, यहाँ पे PHP के पास बहुत सारा डेटा हम स्टोर करते हैं और ऑलरेडी इसके पास बाकी डेटा भी स्टोर होता है. PHP सेंड करता है और रिसीव करता है कुकीज को. अब कुकीज क्या होती है, आप लोगों ने कुछ भी, जैसे हिस्ट्री होती है हमारी, फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव पे आप कुछ सर्च करते हैं, आपके ब्राउजर पे कुछ सर्च किया है आपने, वो सर्च करने के बाद आप डिलीट नहीं करते हो, वो एटलीस्ट 7 to 30 डे वहीं पे स्टोर होता है. जहाँ पे वो स्टोर होता है हम उसी को कुकीज बोलते हैं. यहाँ पे आपने क्या रिसीव किया है, क्या डेटा सेंड किया है, वो कुकीज में स्टोर होता है. PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस. PHP ये सभी एक्टिविटीज आपके डेटाबेस पे भी कर सकता है. PHP कैन यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस. यहाँ पे यूजर एक्सेस भी वो कंट्रोल कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल हमने टीचर्स का डेटाबेस किया है, वहाँ पे टीचर्स ही एक्सेस कर सकती हैं वो डेटाबेस को. वो डेटाबेस के अंदर आपके मार्क्स हम स्टोर कर सकते हैं, आपके ट्यूटोरियल्स आपके स्टोर कर सकते हैं, आपकी प्रेजेंटी, लेकिन आपको अथॉरिटी नहीं है वो डेटा देखने की या फिर वो डेटा किसी और से पूछने की. बट हम आपको आपका जो भी मार्क्स है डिक्लेयर करेंगे. तो जहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल क्लास के अंदर आपको एक्सेस दिया गया है तो ही आप वो डेटा देख सकते हो. दैट इज कॉल्ड एज यूजर एक्सेस. PHP कैन इनक्रिप्ट डेटा. अब इनक्रिप्ट डेटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे
सिर्फ डेटा वो एक पर्टिकुलर पर्सन को समझ में आए तो वो डेटा हम छुपा के रखते हैं दूसरों से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है इट्स ओके, अब इट्स ओके का मतलब होता है मेरी कोडिंग लैंग्वेज में, अगर मैंने किसी को बताया है इट्स ओके का मतलब है कि देर इज़ अ प्रॉब्लम, वी विल गोइंग टू सॉल्व इट आफ्टरवर्ड। और लेकिन मैं वो सब नहीं सामने किसी के बोल सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ इट्स ओके। एट दैट टाइम आई एम हाइडिंग द एक्चुअल डेटा एंड आई एम इनक्रिप्टिंग इट। आया समझ में? आई एम दैट हाइडिंग दैट पर्टिकुलर डेटा एंड आई एम जस्ट सेइंग यू इट्स ओके। विथ PHP यू आर नॉट लिमिटेड टू आउटपुट HTML। यहाँ पे लिमिटेशन निकल जाती है, जैसे HTML में लिमिटेशन थी काफ़ी, वो लिमिटेशन हट जाती है। यू कैन गिव एन आउटपुट एज ए इमेज, PFD फाइल और एनी फ्लैश फाइल मूवीज। जैसे अभी आप लोगों ने HTML यूज़ किया, HTML में सिर्फ आप इमेज ऐड कर सकते थे, लेकिन PHP यूज़ करते हुए आप इमेज ऐड कर सकते हो, छोटी सी GIF फाइल फॉर्मेट ऐड कर सकते हो, मूवीज ऐड कर सकते हो, साउंड ऐड कर सकते हो, ओके? इसी को बोलते हैं XHTML, ओके? एक्सट्रीम मार्कअप लैंग्वेज, ओके? एक्सट्रीम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्स आ गया है आगे से, तो एक्स को बोलते हैं एक्सट्रीम। वाई PHP, हमने PHP क्यों यूज करना है? Why it is necessary that we are choosing this language? Why only PHP? There will be a why question, okay? PHP सभी प्लेटफॉर्म पे रन होती है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होती है, चाहे आपके पास विंडो हो, चाहे आपके पास लिनक्स हो, चाहे यूनिक्स हो, चाहे मैक OS हो या फिर X हो, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके OS पे रन होंगे। PHP is capable with almost all server used today, Apache, IIS etc. ओके, अभी यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है, आपके पास कोई भी सर्वर हो या कोई भी सर्वर पे इजिली रन हो सकती है आपकी PHP की लैंग्वेज। PHP सपोर्ट्स ए वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस। PHP के अंदर यहाँ पे वाइड रेंज यानी कि बहुत रेंज के डेटाबेस प्रेजेंट होते हैं और उसी को ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, PHP इज ईजी टू डाउनलोड, और यहाँ पे PHP की ऑफिशियल वेबसाइट हमने दी है www.php.net, यहाँ से हम PHP ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। PHP इज ईजी टू लर्न, रन एंड एफिशिएंटली ऑन द सर्वर साइड। ईजी है लर्न करने के लिए, बहुत ईजी है यूज करने के लिए, रन करने के लिए बहुत ईजी है, ओके? वॉट इज न्यू इन PHP, ओके? PHP के अंदर नया क्या आया है? मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था PHP 7 लेटेस्ट हम यूज कर रहे हैं, ओके? सो फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है। PHP 7 इज मच फास्टर देन द प्रीवियस पॉपुलर स्टेबल रिलीज PHP 5.6। PHP 7 से पहले कौन सा यूज कर रहे थे हम? 5.6। PHP 7 हैज इम्प्रूव एरर हैंडलिंग, यहाँ पे एरर हैंडलिंग वो ईजी हो गया है। PHP 7 सपोर्ट स्टिकर्स, ठीक है, स्टिकर्स जो है जैसे अभी व्हाट्सएप के अंदर स्टिकर आते हैं आपके, वैसे स्टिकर टाइप डिक्लेरेशन फॉर फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट यानी कि पैरामीटर लिस्ट इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, PHP 7 सपोर्ट्स न्यू ऑपरेटर्स लाइक स्पेस शिप ऑपरेटर, ओके? स्पेस शिप ऑपरेटर इजीली हम यूज कर सकते हैं और ये न्यू ऑपरेटर है विंडोज 7 के अंदर। सेटिंग अप ए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ओके? अब ये एक्चुअल सेटअप है हमारे PHP का। व्हाट डू आई नीड, आपको क्या क्या चाहिए PHP के सर्वर के लिए? टू स्टार्ट यूजिंग PHP यू कैन फाइंड ए वेब होस्ट विथ PHP एंड MySQL सपोर्ट। हमें वेब होस्ट फाइंड करना पड़ेगा PHP और MySQL के सपोर्ट के साथ। इंस्टॉल ए वेब सर्वर ऑन योर ओन PC। अभी हमें यहाँ पे वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे PHP एंड MySQL। सबसे पहले हमें क्या इंस्टॉल करना है? वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे PHP की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और उसी के साथ हमें MySQL मिलेगा। यूज ए वेब होस्ट विथ PHP सपोर्ट। इफ यूजर सर्वर हैज एक्टिवेटेड सपोर्ट फॉर PHP यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग। अगर ऑलरेडी आपका PC सपोर्टेड है वेब सर्वर को एक्टिव करने के लिए, तो आपको ये अलग से सेटअप करने की जरूरत नहीं होगी।
Directly what you will do, you will create a .php file, place them into your web directory, and the server will automatically parse them for you. इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास ऑलरेडी वैम सर्वर है या वेब सर्वर है, आपके पास अगर वेब सर्वर होगा तो डायरेक्टली हम वो डायरेक्टरी में जाएंगे, फोल्डर क्रिएट करेंगे और वो फोल्डर के अंदर हमारी फर्स्ट पीएचपी की फाइल क्रिएट करेंगे और उसे रन करेंगे. यू डू नॉट नीड टू कंपाइल एनीथिंग और इंस्टॉल एनी एक्स्ट्रा टूल. आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं होगी, एक्स्ट्रा टूल की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज पीएचपी इज़ फ्री. मोस्ट वेब होस्ट ऑफर पीएचपी सपोर्ट, क्योंकि बहुत सारे वेब होस्ट ऐसे हैं कि जो ऑफर करते हैं पीएचपी को, क्योंकि आज की जो लाइफ है उसमें पीएचपी ऑलरेडी प्री डिफाइंड आपको वेब होस्ट के साथ मिलता है. सेटअप पीएचपी ऑन योर ओन पीसी. अभी हमें ओन पीसी पे इंस्टॉल करना है तो क्या करेंगे. इफ योर सर्वर डज नॉट सपोर्ट पीएचपी, अगर आपका सर्वर सपोर्ट नहीं कर रहा है पीएचपी, इंस्टॉल ए वेब सर्वर, इंस्टॉल ए पीएचपी, इंस्टॉल ए डेटाबेस सच एज MySQL. और यहाँ पे मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट दी है आपको, आप यहाँ से भी कर सकते हो इंस्टॉल. नेक्स्ट पीएचपी का सिंटैक्स देखेंगे हम. ओके, अ पीएचपी स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर. एग्जीक्यूट होता है सर्वर पे. ओके, और इसका रिजल्ट कहाँ पे होता है, डिस्प्ले ब्राउजर पे. एंड द प्लेन HTML रिजल्ट इज सेंड बैक टू द ब्राउजर. हमेशा याद रखना पीएचपी रन होता है वेब सर्वर पे, या सर्वर बोल सकते हैं या तो वेब सर्वर, और इसका रिजल्ट आपको रिटर्न होता है आपके प्लेन ब्राउजर पे. ओके, प्लेन HTML रिजल्ट इज सेंड टू द ब्राउजर. ब्राउजर पे आपको रिजल्ट डिस्प्ले होता है. अ पीएचपी स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट. पीएचपी स्क्रिप्ट हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं इजीली HTML के अंदर. यहाँ पे अभी देखो स्टार्ट कैसे होता है. ओके, यू कैन सी ओवर हियर अ पीएचपी स्क्रिप्ट स्टार्ट्स विद, ये देखो अभी ये पीएचपी स्टार्ट होता है यहाँ से. ओके, लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, और फिर उसके बाद ग्रेटर देन. यहाँ पे ऐसे यूज होता है. ये देखिए यहाँ पे आया स्टार्ट, यहाँ पे आप कोड लिखोगे, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा. अ पीएचपी फाइल नॉर्मली कंटेन HTML टैग एंड सम पीएचपी स्क्रिप्टिंग कोड. पीएचपी स्टेटमेंट एंड विद अ सेमी कोलन. इस पीएचपी की जो भी स्टेटमेंट है वो एंड होती है सेमी कोलन के साथ. अब हम देखेंगे इसका एक एग्जांपल ताकि आपको क्लियर हो जाए. ओके, यू कैन सी ओवर हियर, आप जैसे पहले लिखते थे HTML का कोड सेम वैसे ही है, दिख रहा है आपको, इफ यू कैन सी. ओके, डॉक टाइप HTML, हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है HTML, फिर हमने HTML का एंकर ओपन किया है, HTML लिखा है, HTML की बॉडी आई है, फिर हेडिंग लिए हमने माय फर्स्ट पीएचपी पेज, वो हेडिंग को हमने क्लोज किया है. यहाँ पे फिर हमने पीएचपी स्टार्ट किया है, सी दिस पीएचपी स्टार्ट किया है हमने. देखिए यहाँ पे सिंबल आया है पीएचपी का. अब इको क्या करता है, इको सिर्फ वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करता है. जैसे आप लोगों ने हेडिंग यूज की है मैसेज प्रिंट करने के लिए H1, सेम वैसे इको मैसेज प्रिंट करता है. जैसे आपने प्रिंट एफ देखा था, स्कैन एफ प्रिंट एफ, सी आपने सी में देखा था प्रिंट एफ सिर्फ मैसेज प्रिंट कर रहा था, सेम उसी तरह इको मैसेज आपको प्रिंट करके देगा. तो इको के अंदर लिखा है हमने हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाद हमने दिया है यहाँ पे सेमीकोलन, दिख रहा है आपको, क्योंकि ये खत्म हो चुका है. ओके, और फिर हमने HTML का टैग ओपन किया था, वो क्लोज किया है. बॉडी टैग ओपन किया था, बॉडी टैग क्लोज किया है. HTML टैग ओपन किया था, HTML टैग क्लोज किया है. अब इसका आउटपुट कहाँ पे आएगा, ब्राउजर विंडो पे आउटपुट आपको डिस्प्ले होगा. फर्स्ट टाइम आएगा माय फर्स्ट पीएचपी पेज. ओके, यू कैन सी हियर, और उसी के नीचे आएगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये पीएचपी के अंदर हमने लिखा है. अंडरस्टूड एवरीवन, गुड. नाउ नेक्स्ट वन, वेरिएबल्स नंबर्स एंड स्ट्रिंग. ओके, वेरिएबल्स नंबर एंड स्ट्रिंग, ये तीनों हमें डिटेल में स्टडी करने हैं. नाउ व्हाट आर द वेरिएबल, वेरिएबल आपने देखा था ऑलरेडी सी में. अभी वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कंटेनर होता है स्टोरिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन. वेरिएबल आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन.
क्रिएटिंग और डिक्लेयरिंग पीएचपी वेरिएबल। हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं या क्रिएट करने हैं पीएचपी के अंदर, तो हम क्या यूज करेंगे, डॉलर के सिंबल यूज करेंगे। ओके, वी विल गोइंग टू यूज डॉलर सिंबल, ये देखिए। ओके, वेरिएबल स्टार्ट विथ डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल को जो भी हम नेम देंगे वो वेरिएबल के नेम के आगे हम पहले डॉलर का सिंबल लगाएंगे, फिर वो वेरिएबल का नेम देंगे। एग्जाम्पल लेंगे अभी हम इसका, वी विल गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट। फिर से हमें डॉक्यूमेंट टाइप HTML बॉडी टैग, फिर उसके बाद हमने PHP स्टार्ट किया है। सो यहाँ पे PHP स्टार्ट हुआ है। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया वेरिएबल लेना है हमें, तो यहाँ पे डॉलर वेरिएबल का नेम लिया है, वेरिएबल के नेम के आगे जो आपको प्रिंट करना है आप वो लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने दिया सेमी कोलन। फिर से अभी हमने एक और एक वेरिएबल लिया है, उसे 5 वैल्यू असाइन किया, सेमी कोलन। अगेन वी हैव टेकन अगेन अ वेरिएबल, वी हैव गेव अ फ्लोटिंग पॉइंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने डेटा टाइप दिया है क्या यहाँ पे, नहीं, मैंने डायरेक्टली क्या दिया है यहाँ पे, वेरिएबल नेम दिया है, वैल्यू असाइन की है। तो यहाँ पे पहले टाइम पे हमने क्या लिया है, टेक्स्ट लिया है, कैरेक्टर, आप जिसे कैरेक्टर बोल सकते हो, स्ट्रिंग बोल सकते हो, वो लिया है। नेक्स्ट टाइम पे इंटीजर वैल्यू ली है, नेक्स्ट टाइम पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया है फ्लोटिंग वैल्यू। अब यहाँ पे इको के थ्रू प्रिंट करने के लिए कहा है, इको के अंदर पास किया है हमने फर्स्ट टाइम वेरिएबल txt, फिर हमने ब्रेक दिया है, ब्रेक से क्या करेगा वो न्यू लाइन पे चला जाएगा, ब्रेक दिया है। अब फिर से हमने वहाँ पे क्या किया है, इंटीजर की वैल्यू प्रिंट की है, नेक्स्ट टाइम फिर से ब्रेक दिया है, फिर से हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने अभी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो y प्रिंट किया है, y के अंदर फ्लोट की वैल्यू प्रेजेंट। ओके, फिर से हमने यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज किया है, HTML टैग को हमने क्लोज किया है। ओके, अब हम इसे जब रन करेंगे, ये रन होगा ब्राउजर विंडो पे। अब ये पूरा पार्ट कहाँ जाएगा, ये सर्वर पे जाएगा। ब्राउजर पे हमें आउटपुट क्या दिखेगा फर्स्ट टाइम पे, अब ये इको के पास जाएगा, इको के अंदर क्या है txt के पास जाके यहाँ पे जंप होगा, यहाँ पे आएगा फर्स्ट टाइम हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड आने के बाद यहाँ पे ब्रेक लाइन होगी, फिर नेक्स्ट टाइम पे जाएगा x के पास, ये x को कॉल करेगा, x के पास है 5, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 5। नेक्स्ट टाइम फिर से ब्रेक करेगा, फिर से लास्ट में जाएगा y के पास है 10.5, दैट इज अ फ्लोटिंग वैल्यू, फिर से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, आया समझ में आपको वेरिएबल किसे कहते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल्स के रूल्स क्या है वो हमें जानने बहुत ज़रूरी है। द रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेरिएबल्स, सो लेट अस स्टार्ट व्हाट आर द रूल्स। अ वेरिएबल स्टार्ट विद डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल नेम कैसे स्टार्ट होना चाहिए, या तो वो पर्टिकुलर लेटर होना चाहिए या तो वो अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अ वेरिएबल नेम कैनॉट स्टार्ट विद द नंबर। हम कभी भी नंबर के साथ वेरिएबल नेम नहीं स्टार्ट करते हैं, वो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया $1234, वो गलत है। मैंने अगर लिया $_name तो वो राइट है, या मैंने लिया $roll_ तो वो भी वैलिड है। ओके, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। ओके, अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर ले सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया $1234, तो वो वैलिड है, वो अल्फा न्यूमरिक है, उसके अंदर अल्फाबेट भी है, नंबर्स भी है, तो वो अल्फा न्यूमरिक होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया उन्होंने, A to Z हम लोग ले सकते हैं अल्फाबेट, नंबर ले सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, और हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम जो है वो केस सेंसिटिव है। $age and $age आर टू डिफरेंट वेरिएबल, ये दो अलग वेरिएबल है, ठीक है। रिमेंबर दैट PHP वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। PHP वेरिएबल जो नेम है वो केस सेंसिटिव है, हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए। मेनी ऑफ द टाइम वी रिमेंबर दैट अ केस सेंसिटिव मीन्स इट कैन इफेक्ट होल प्रोग्राम ऑल्सो। ओके, वी डोंट नीड टू फॉरगेट दैट। नाउ PHP वेरिएबल स्कोप। ओके, अब ये वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक हो सकता है। वेरिएबल का स्कोप हो सकता है लोकली,
ग्लोबली या स्टैटिक, ये तीन टाइप के वेरिएबल के स्कोप होते हैं। इन पीएचपी वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट। जैसे आप सबको पता है पीएचपी के अंदर हम कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं हमारे वेरिएबल को। द स्कोप ऑफ द वेरिएबल इज द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट है उसका पार्ट होता है एक स्कोप, विच कैन बी रेफर और यूज एज इन थ्री डिफरेंट वेज, लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक। ओके, नाउ वी विल सी ग्लोबल स्कोप एंड विद देयर एग्जाम्पल। अ वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड अ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के बाहर अगर हमने डिक्लेयर किया है तो वो क्या बोलते हैं, ग्लोबल स्कोप, एंड कैन ओनली बी एक्सेस्ड आउटसाइड ए फंक्शन। फंक्शन के बाहर अगर हमने कोई भी वहाँ पे वेरिएबल लिया है तो वो एक्सेस भी फंक्शन के बाहर होगा, फंक्शन के अंदर नहीं होगा, इन्होंने ऐसे बताया है। नाउ वी विल सी एन एग्जाम्पल। हियर यू कैन सी अगेन डॉक टाइप HTML, HTML टैग, आफ्टर दैट बॉडी टैग। ओके, नाउ PHP इज स्टार्टेड। हियर वी हैव टेकन अ वेरिएबल x इक्वल्स टू 5 एंड इट इज ए ग्लोबल स्कोप। नाउ देयर इज अ फंक्शन। ओके, whenever we are taking a function we will going to use a function keyword before the name of that function, so function my test. Okay, now the curly braces are getting open. Using x inside this function will generate an error. ठीक है, अगर हमने ये जो आपका x है उसे call किया function के अंदर तो फिर वो error generate करेगा, क्योंकि हमने क्या बोला है, global scope। ग्लोबल मतलब फंक्शन के बाहर हम उसका यूज़ करेंगे, फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनसाइड द फंक्शन हम एक्स को कॉल कर रहे हैं, वो कॉल होगा क्या, नहीं कॉल होगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने उसे कॉल किया और यहाँ पे लिखा है वेरिएबल एक्स इनसाइड फंक्शन इज, और यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू लेने के लिए, यहाँ पे 5 लेने के लिए हमने लिखा है डॉलर एक्स। ओके, फिर यहाँ पे हमने क्लोज किया है सेमीकोलन दे के, ठीक है, पैराग्राफ को क्लोज किया है, पी बिलोंग्स फॉर पैराग्राफ, तो यहाँ पे क्लोज किया है। फिर से हमने क्या किया है, फिर से फंक्शन लिया है माय टेस्ट करके, अगेन द सेम फंक्शन, और वो सेम फंक्शन को अभी यहाँ पे देखो, वो फंक्शन को हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है, ओपन किया था माय टेस्ट, उसी को हमने सेमीकोलन दे दिया फंक्शन को, और यहाँ पे वो खत्म हो गया। और फिर उसके बाद हमने क्या किया है, ई को यहाँ पे वेरिएबल एक्स आउटसाइड फंक्शन इज, अब यहाँ पे ये फंक्शन खत्म हो गया, ये फंक्शन लिखा था, ये फंक्शन ओपन हुआ था, ये सब डिटेल्स लिखी, ये फंक्शन का जो हमने ओपन किया था क्लोजिंग करली ब्रेसेस दिए, ये फंक्शन को ओपन किया तो क्लोज किया, सेमीकोलन दे दिया। अब यहाँ पे हमने क्या दिया है, ई को वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन इज एक्स, तो एक्स की वैल्यू 5 यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने जो भी यूज़ किया था, पीएचपी क्लोज किया, बॉडी क्लोज की, HTML टैग क्लोज की। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन इज, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं है। यहाँ पे अब आएगी इसकी वैल्यू, वेरिएबल x आउटसाइड द फंक्शन इज 5। ओके, नेक्स्ट अभी हमने देखना है लोकल स्कोप। अब लोकल स्कोप क्या करेगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, लोकल, अ वेरिएबल डिक्लेयर विद इन अ फंक्शन हैज ए लोकल स्कोप। अभी ग्लोबल मतलब आउटसाइड द फंक्शन था, लोकल मतलब इनसाइड द फंक्शन, और ये क्या होगा, इनसाइड द फंक्शन ही एक्टिव होगा। अब यहाँ पे हमने सेम एग्जांपल लिया है, ओके, सेम एग्जांपल लिया है, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे हुए मैं आपको वो बताती हूँ अभी। ठीक है, अब ये देखो ग्लोबल, ग्लोबल के अंदर हमने पीएचपी के बाद डिक्लेरेशन कर दिया था, फिर फंक्शन लिखा था। अब यहाँ पे लोकल के अंदर हमने क्या किया है, पहले पीएचपी लिखा है फिर फंक्शन लिखा है, और वो फंक्शन के अंदर वेरिएबल लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर ये फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ पे भी कॉल किया है, ये सॉरी क्लोजिंग किया है यहाँ पे, और फिर से मैसेज प्रिंट किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे ही 5 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 विद इन द फंक्शन प्रेजेंट है, आउटसाइड द फंक्शन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पीएचपी द ग्लोबल कीवर्ड। द ग्लोबल कीवर्ड इज यूज टू एक्सेस अ ग्लोबल। अब ग्लोबल कीवर्ड है और वो ग्लोबल कीवर्ड कैसे एक्सेस होती है वो देखेंगे। HTML टैग, बॉडी टैग, यहाँ पे अभी आ गया PHP, वैल्यू असाइन किए है हमने x को 5, y को 10, फंक्शन लिया है माई टेस्ट ग्लोबल, और यहाँ पे लिया है फिर से हमने x और y, और इन दोनों की एडिशन करके y के अंदर डाली है। यहाँ पे फंक्शन क्या किया है, फंक्शन रन किया है,
ठीक है, ये देखो यहाँ पे फंक्शन क्लोज कर दिया ये पूरा, और यहाँ पे ये फंक्शन को रन करने के लिए बोल दिया। इको के अंदर हमने फिर यहाँ पे क्या बोला है, जो वैल्यू होगी वाई की वो आप दे दो, रिटर्न कर दो आउटपुट द न्यू वैल्यू फॉर एक्स वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 15। अब आप बोलोगे कि मैम ये अंदर कैसे क्या आ गया, ये तो बाहर डिक्लेयर किया था, तो विद इन द फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने कौन सा कीवर्ड यूज़ किया है, ग्लोबल। ठीक है, फंक्शन के आउटसाइड हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की, फंक्शन के अंदर हमने वही सेम वेरिएबल को कॉलिंग किया है, किसके थ्रू, ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू हमने कॉल किया है। तो ये ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू जब हमने कॉल किया इसे, तो इसकी वैल्यू एडिशन होके y के अंदर चली गई, y की वैल्यू हमने फंक्शन के बाहर प्रिंट करने के लिए दी, तो आया 15। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, नॉर्मली व्हेन अ फंक्शन इज कंप्लीटेड एग्जीक्यूटेड ऑल ऑफ इट्स वेरिएबल आर डिलीटेड, हाउएवर समटाइम वी वॉन्ट ए लोकल वेरिएबल नॉट टू बी डिलीटेड, वी नीड इट फॉर फ्यूचर जॉब। टू यूज स्टैटिक कीवर्ड व्हेन यू फर्स्ट डिक्लेयर द वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है, जब हम कभी भी लोकल वेरिएबल यूज करते हैं तो वहाँ पे जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो वो जो भी वैल्यू एक पर्टिकुलर वेरिएबल ने पकड़ी हुई रहती है, होल्ड की होती है उसने, वो डिलीट कर देता है, रिलीज करता है। बट समटाइम हमें ऐसा लगता है कि ये वेरिएबल की जो वैल्यू है इसे थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, लोकल लिखने से पहले या लोकल वैल्यू डिक्लेयर करने से पहले विद इन द फंक्शन हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करेंगे। जैसे अब हमने यहाँ पे ग्लोबल यूज़ किया था, ठीक है, हम वैसे ही यहाँ पे स्टैटिक यूज़ करेंगे और फिर वहाँ पे वैल्यू, ये सारी वैल्यू असाइन करेंगे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा स्टैटिक कीवर्ड। ओके, नेक्स्ट है अभी हमारे पास नंबर। ठीक है, अब नंबर डिवाइड किए गए हैं तीन पार्ट के अंदर, एक है इंटीजर, एक है फ्लोट। फ्लोट के अंदर फिर से दो पार्ट आते हैं, इन्फाइनाइट या इन्फिनिटी, आप कुछ भी बोल सकते हो, और नेक्स्ट आता है नान, NaN, नान, और फिर उसके बाद लास्ट में आता है नंबर स्ट्रिंग। तो अभी हम देखेंगे इन सबको डिटेल में। ओके, व्हाट इज ए नंबर, वन थिंग टू नोटिस अबाउट PHP इज दैट इट प्रोवाइड ऑटोमेटिक डेटा टाइप कन्वर्जन। अब डेटा टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, मैंने अगर इंटीजर में वैल्यू ली है, मुझे वो फ्लोट में कन्वर्ट करनी है, तो मैं वो इंटीजर की वैल्यू फ्लोट में इजिली कन्वर्ट कर सकती हूँ, या फिर मैंने फ्लोट की वैल्यू ली है मुझे डबल में कन्वर्ट करनी है तो वो भी मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज डेटा कन्वर्जन। सो इफ यू असाइन एन इंटीजर वैल्यू टू अ वेरिएबल, द टाइप ऑफ दैट वेरिएबल विल ऑटोमेटिकली बी एन इंटीजर। देन इफ यू असाइन अ स्ट्रिंग टू द सेम वेरिएबल, द टाइप विल चेंज टू अ स्ट्रिंग। दिस ऑटोमेटिक कन्वर्जन कैन समटाइम ब्रेक योर कोड। अब इसका मतलब क्या है, मैंने एक वेरिएबल लिया है वहाँ पे x करके, वो x को फर्स्ट टाइम मैंने वैल्यू असाइन की 10, ठीक है, और फिर मैंने थोड़ी देर बाद उसी x को वैल्यू असाइन की है वेलकम। तो यहाँ पे पहले तो मैंने वही x को 10 असाइन की, वही x को वेलकम असाइन किया। कभी कभी क्या होता है, वो नॉर्मली ये कन्वर्जन ले लेता है, मतलब पहले वो इंटीजर में था वेरिएबल, फिर वही वेरिएबल आपका कन्वर्ट हुआ स्ट्रिंग में, लेकिन कभी कभार ये कोड को ब्रेक कर देता है और वो जंप कर लेता है आउटसाइड में। ओके, दैट इज कॉल्ड एज PHP नंबर, PHP इंटीजर। अब PHP इंटीजर क्या होता है वो हम देखेंगे। एंड इंटीजर इज अ नंबर विदाउट एनी डेसिमल पार्ट। जिसके पास डेसिमल पार्ट नहीं होता है, डॉट का पार्ट नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं इंटीजर। एन इंटीजर मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, जैसे आप सबको पता है एक डिजिट होनी चाहिए कंपलसरी, तो वो इंटीजर होता है। एन इंटीजर मस्ट नॉट हैव एनी डेसिमल पॉइंट, एन इंटीजर कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखेंगे, वेयर अंडरस्कोर डंप, ये एक फंक्शन है। ओके, वेयर अंडरस्कोर डंप फंक्शन डंप इंफॉर्मेशन अबाउट वन और मोर वेरिएबल, हाउएवर PHP वेयर अंडरस्कोर डंप फंक्शन रिटर्न द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एंड द वैल्यू। ये वेयर अंडरस्कोर डंप बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है,
ठीक है, ये वन और मोर वेरिएबल जो है वो रिटर्न करता है, प्लस वो डेटा टाइप रिटर्न करता है वेरिएबल का प्लस उनकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है पीएचपी हैज द फॉलोइंग फंक्शन टू चेक इफ द टाइप ऑफ वेरिएबल इज इंटीजर। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, इंटीजर के टाइप में है क्या नहीं वेरिएबल, वो हम देख सकते हैं। इज इंट, इज इंटीजर, अलाइज ऑफ इज इंट, इज लॉन्ग, अलाइज ऑफ इज इंट फंक्शन, ठीक है, ये सभी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करेंगे। अब ये एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं फिर से HTML टैग, बॉडी टैग, यहाँ पे PHP स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे अभी आप देखोगे चेक इफ द टाइप ऑफ द वेरिएबल इज इंटीजर। ठीक है, अब ये कैसे चेक करेगा, फर्स्ट टाइम में तो हमने सिर्फ वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है। नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चेकिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, वेर अंडरस्कोर डम्प इन ब्रैकेट इज इंट इन ब्रैकेट, जो वेरिएबल आपने लिया है वो पास करना है। ओके, फिर उसके बाद इको पे ब्रेक दिया है हमने, अगेन हमने सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज की है। ठीक है, ये दोनों को ब्रेक करने के बाद बॉडी क्लोज किए, HTML क्लोज किए। अब फर्स्ट टाइम पे ये चेक करेगा कि ये इंटीजर वैल्यू है क्या, वो चेक करेगा। फर्स्ट टाइम पे इंटीजर वैल्यू है तो ये रिटर्न बुलियन वैल्यू करेगा, डैट इज ए ट्रू। नेक्स्ट टाइम पे ये चेक करेगा कि यहाँ पे पॉइंट आया है और यहाँ पे आगे नंबर है तो ये बुलियन वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ओके, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू नहीं है तो इसलिए वो फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है पीएचपी फ्लोट। आपको पता है फ्लोटिंग क्या होता है, डॉट के बाद जो भी नंबर आता है, एक पर्टिकुलर नंबर के बाद हम डॉट लिखते हैं और फिर उसके आगे फिर से नंबरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग पॉइंट। अ फ्लोट इज अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट और एनी नंबर इन एक्सपोनेंटल फॉर्म, 2.0, 256.4 एंड सो ऑन आर द फ्लोटिंग पॉइंट्स। ओके, मैक्सिमम फ्लोटिंग पॉइंट में भी 14 डिजिट। ओके, मतलब मैंने अभी यहाँ पे दिए दो नंबर, डॉट दिया है, उसके बाद ये 14 डिजिट तक नंबर ले सकता है। पीएचपी हैज द फॉलोइंग फंक्शन टू चेक इफ द टाइप ऑफ वेरिएबल इज फ्लोट। जैसे अभी हमने देखा था इज इंट, यहाँ पे देखा था ना इज इंट इन ब्रैकेट, ये वेरिएबल चेक करता था, वैसे ही सेम यहाँ पे हम ले सकते हैं इज फ्लोट चेक करने के लिए, या इज डबल, या फिर अलाइज ऑफ इज फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट चेक करने के लिए। सेम प्रोग्राम हम देखेंगे, ठीक है, फिर से प्रोग्राम देखेंगे और देखेंगे ये फ्लोट है क्या नहीं, अगर फ्लोट होगा तो ट्रू आएगा, फ्लोट नहीं होगा तो फॉल्स आएगा, सेम प्रोग्राम। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, HTML बॉडी टाइप, PHP स्टार्ट हुआ है, फिर से हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है, वैल्यू असाइन करने के बाद यहाँ पे वेर अंडरस्कोर डम इन ब्रैकेट इज फ्लोट किया है। अगर आपको इंटीजर चेक करना होगा तो इज इंट करते, फिर वेरिएबल जो भी था हमारा वेरिएबल को पास किया है, यहाँ पे PHP क्लोज किया है और डायरेक्टली क्लोज किया है, यहाँ पे डायरेक्ट आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लोटिंग पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे PHP इनफाइनाइट। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू दैट इज लार्जर देन PHP फ्लोट मैक्स इज कंसिडर एज इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना, इन्फिनिटी भी बोलते हैं, इनफाइनाइट भी बोलते हैं, इज कंसिडर एज इनफाइनाइट। PHP हैज द फॉलोइंग फंक्शन टू चेक इफ अ नंबर वैल्यू इज इनफाइनाइट और इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी है या इनफाइनाइट है, ये चेक करने के लिए यहाँ पे होता है, ये देखिए इज फिटनिटी इज इनफाइनाइट, ये चेक करता है। जैसे अभी हमने चेक किया था इंटीजर के लिए, फ्लोटिंग के लिए, सेम अभी यहाँ पे चेक होगा, सेम प्रोग्राम है। ओके, HTML टैग, बॉडी टैग, PHP, वैल्यू असाइन की, वेर डंप किया यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पास की है। ओके, क्लोज किया है, डायरेक्टली यहाँ पे आया है फ्लोट। ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको EV आया है, चेक इफ अ नंबर वैल्यू इज फिनिटी और इन्फिनिटी, यहाँ पे फिटी है क्या इन्फिनिटी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया है, पहले तो ये आया है फ्लोट और यहाँ पे फिर आया है इन्फिनिटी, दिख रहा है आपको, ये I कैपिटल हुआ है इन्फिनिटी का, अगर ये इन्फिनिटी नहीं होता तो यहाँ पे F आ जाता आउटपुट में। नेक्स्ट वन PHP नान, नान स्टैंड फॉर नॉट ए नंबर। ठीक है, नॉट ए नंबर, नान था, नान स्टैंड फॉर नॉट ए नंबर।
NaN is used for impossible arithmetic operators या operations. PHP has the following function to check a value. That is a is NaN. यहाँ पे भी same, okay? Value assign की, इसे हमने बोला है. Value assign देने के बाद 8 दिया है, तो ये check करेगा क्या है क्या नहीं है और directly यहाँ पे आ जाएगा, okay? Next one, PHP numerical string. The PHP is underscore numeric function can be used to find whether a variable is numeric. The function return true if the variable is a number or a numeric string, false otherwise. अब यहाँ पे क्या होगा, वो numeric number होगा, ठीक है, या फिर numeric होगा तो वो true करेगा, या तो फिर अगर वो कोई string होगी तो वो false return करेगा. इसका हम example देखेंगे ताकि आपको clear हो जाए. HTML टैग, बॉडी टैग, PHP स्टार्ट हुआ है. PHP को हमने फर्स्ट टाइम पे क्या किया है, वैल्यू असाइन किया. चेक इफ वेरिएबल इज न्यूमरिक, ओके, वैल्यू असाइन की. वैल्यू असाइन करने के बाद हमने यहाँ पे वेर डंप किया है, इज न्यूमरिक एक्स, ब्रेक किया है, फिर से वैल्यू असाइन की है उसे, ठीक है, फिर से उसे बोला है इज न्यूमरिक, ओके, फिर से हमने उसे वैल्यू असाइन की है, यहाँ पे एडिशन करके वैल्यू असाइन की है. इफ़ यू कैन नोटिस 100 प्लस किया है फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर और उसे पूछा है इज न्यूमरिक. नेक्स्ट टाइम क्या किया है, हेलो किया है, हेलो को चेक करने के बोला है इज न्यूमरिक. अब इसका आउटपुट क्या होगा वो देखेंगे. फर्स्ट टाइम पे ट्रू आया, जैसे मैंने आपको कहा अगर न्यूमरिकल वैल्यू होगी तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ओके, ट्रू रिटर्न हुआ. फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टाइम फिर से यहाँ पे वैल्यू थी, फिर से ट्रू रिटर्न हुआ, दिख रहा है. नेक्स्ट टाइम अभी फिर से वहाँ पे फिर से वैल्यू हुई, फिर से ट्रू रिटर्न करेगा, दिख रहा है. एट द लास्ट वी आर गेटिंग द स्ट्रिंग, एट दैट मोमेंट इट विल गोइंग टू रिटर्न अ फॉल्स वैल्यू बिकॉज वी आर गेटिंग अ स्ट्रिंग. क्योंकि लास्ट में उसे न्यूमरिकल वैल्यू तो नहीं मिल रही, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग आएगी न्यूमरिक के अंदर तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, इसलिए उसने फॉल्स रिटर्न किया है. ओके, आई होप आपको आज का फर्स्ट लेक्चर अच्छा लगा हो और हमने जितने भी कंसेप्ट देखी है आपको वो पूरी क्लियर हुई हो. थैंक यू सो मच.